हेल्प्रेंड्स वेलकम टू अन एकेडमी सो जल्दी से बेटा चेक करके बता दीजिए कि माई वॉइस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू आर नॉट सो ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है या नहीं सभी को चेक इट वंस सो विल स्टार्ट द सेशन सो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं तो जल्दी से चेक कर लीजिए कि मेरी आवाज़ सभी तक आ रही है ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है सभी को क्लास टाइमिंग के लिए बेटा मैंने बोला है बट आई थिंक नाइन थर्टी से फिर एक और कोई सेशन भी शुरू होता है आपका तो कुछ क्लेशिंग्स आ रही हैं तो वो मैंने अपडेट कर दिया है इफ़ देर इज एनी पॉसिबिलिटी तो विल चेंज द टाइम ना क्योंकि एक सेशन और इसके बाद शुरू होता है फिर वहाँ पे दिक्कत मतलब वो को, को, कोलिजन हो रहा है उस साइड में चलिए सो so आवाज़ आ रही है सभी को ओके okay. बट अनिश डेफिनेटली विल डू है ना एक या दो दिन और वेट कर लो बेटा है ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालते हैं मैंने बात किया है ठीक है तो फिर करते हैं हम उसके लिए कुछ ना लास्ट सेशन में हम लोग शॉर्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे तो क्विक शॉट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और मर्ज शॉट हम लोगों ने शुरू किया था तो मर्ज शॉट को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि मर्ज शॉट किस तरीके से क्वेश्चंस uh, उस पर और आ सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं टू ए मर्ज शॉर्ट क्या होता है वॉट वुड बी द रिलेशन बिटवीन दैम सो विल डिस्कस दैट ओके सो लेट्स सी यर द फर्स्ट इज मर्ज शॉट मर्ज शॉट सबसे पहले हम लोग बात करें जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मर्ज शॉर्ट जो होता है इट इज अ प्योर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच प्योर डिवाइड एंड कॉनकर अप्रोच है मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं जो भी हमें अरे दिया होता है सबसे पहले हम उस अरे को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट में ठीक है सो वॉट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूर अरे लाइक फर्स्ट एलिमेंट इज टेन फाइव इलेवन सिक्स फोर्टी वन फिफ्टी सिक्सटी लाइक दस ओके सो अगर हमें कुछ ये एलिमेंट्स दिए हुए है ना सपोज टू हैविंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स तो सबसे पहले हमें आ, इसका जो लो है और इसका जो राइट है जो लेफ्ट है और जो राइट है इसका मिड हमें कैलकुलेट करना होता है जैसे हमने मिड कैलकुलेट किया हम सारे को टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे लो से मिड तक और मिड प्लस वन से राइट तक अगेन वी नीड टू कैलकुलेट मिड ऑफ दिस लेफ्ट पार्ट तो जब इसका मिड कैलकुलेट करेंगे तो फाइव आएगा ये अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया ठीक है अगेन वी नीड टू डिवाइड दैट सब अरे इन टू दी स्मॉलर अरे तो आपको ये डिविजन कब तक करना है जब तक कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्मॉल जो अरे है वो सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करता तो इस पार्ट में आप देख सकते हो दो एलिमेंट है तो इसका फर्दर डिविजन हो जाएगा सो नाउ दे आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स यहाँ पे भी इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया ये इंडिविजुअल एलिमेंट है और ये इंडिविजुअल ऑलरेडी था कैन so इस अरे में एलिमेंट है टेन इसमें है फाइव इसमें इलेवन इसमें फोर्टी वन है इसमें फिफ्टी है, इस है और इसमें सिक्सटी है ठीक है सो so हम लोग क्या करेंगे कैन वी से दैट इफ अरे कंसिस्ट सिंगल एलिमेंट इट इज ऑलरेडी शॉर्टेड तो अगर अरे में सिंगल एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड होगा तो हमें क्या करना है जिस तरीके से हमने डिविजन किया तो ये जो दो शॉर्टेड पार्ट था मतलब ये एक आपका बिग प्रॉब्लम था उस बिग प्रॉब्लम को डिवाइड किया तो ये टू स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम मिली तो अगेन हमें इन दोनों स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम की मर्जिंग करनी है तो जिस ऑर्डर में डिविजन होता है उन्ही सेट्स का हमें मर्जिंग करना पड़ता है तो हम इस टेन और फाइव को मर्ज करेंगे तो टेन और फाइव मैंने मर्ज किया सो इट यू गिवसाइव टेन तो फाइव और टेन आपका आ गया फिर इलेवन और सिक्स को मर्ज करेंगे सो इट गिव सिक्स एंड इलेवन तो सिक्स इलेवन आ गया आपका फिर फोर्टी वन और फिफ्टी को मर्ज करेंगे तो इट गिवज यू फोर्टी वन फिफ्टी एंड सिक्सटी इज एज इट इज सिक्सटी एज इट इज आ जाएगा ठीक है फिर हम क्या करेंगे इन दो सब पार्ट का मर्जिंग करेंगे सो इट इस फाइव सिक्स टेन इलेवन सो इन दो सब पार्ट का मर्ज किया तो इस सब पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा फाइव सिक्स टेन इलेवन और फिर इन दो सब पार्ट का मर्ज करेंगे सो फोर्टी वन फिफ्टी एंड सिक्सटी ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा ठीक है ना वी आर मर्जिंग दिस टू इन दोनों को मर्ज करेंगे सो वी गॉट द रिजल्ट ऑफ बिग प्रॉब्लम फाइव सिक्स टेन इलेवन फोर्टी वन फिफ्टी एंड सिक्सटी तो हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं दो शॉर्टेड जो पार्ट है उन दो शॉर्टेड सिक्वेंस का मर्ज कर रहे हैं और रिजल्ट भी हमें अगेन शॉर्टेड सिक्वेंस में मिल रहा है तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दो पार्ट आपके असेंडिंग ऑर्डर में है ठीक है इफ दिस टू पार्ट इन बोथ द पार्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर ये भी असेंडिंग ऑर्डर में था ये भी असेंडिंग ऑर्डर में था इन दोनों का मर्ज किया तो रिजल्ट भी हमें किस में मिला असेंडिंग ऑर्डर में मिला तो यहाँ जो मर्ज शार्ट टेक्निक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं सो वी आर परफॉर्मिंग वन थिंग सबसे पहले अगर सपोज हमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए सो so, इस एन नंबर ऑफ एलिमेंट के अरे को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो व्हाट वी कैन से अगर सपोज इस एन एलिमेंट की अरे को शॉर्टेड सिक्वेंस में ले जाने में जो लगने वाला समय है वो टी है तो हमने क्या किया हमने इस टी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया एंड सेम एल्गोरिथम हम लेफ्ट पार्ट के लिए भी कॉल कर रहे हैं और सेम एल्गोरिथम राइट पार्ट के लिए भी कॉल कर रहे हैं मतलब उनका हम कर रहे हैं तो tn हमेशा क्या कर रहा है और राइट मतलब के लिए भी कॉल कर रहा है राइट right तो का टाइम right भी टी एन बाई टू है so, 2. Plus, plus हम लोग पे क्या लिखते हैं जब आप इस फर्स्ट सब अरे ये सब अरे आपको दिया हुआ है इस सब अरे का आप मर्जिंग इस सब अरे के साथ में कर रहे हो सो so, ये मर्जिंग ये क्या हो रहा है kind of तभी तो जाके तो ये मर्जिंग हो रही है और ये शॉर्टेड सिक्वेंस हमको मिल रहा है मतलब इंटरनली मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम क्या कर रहा है मर्ज एल्गोरिथम को कॉल कर रहा है तो मर्ज एल्गोरिथम का जो टाइम होगा वो हमें यहां पे लिखना होगा तो मर्ज में कितना टाइम लग रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्टीमेटली अगर हम दोनों पार्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करें लेफ्ट पार्ट में जो एलिमेंट्स है और राइट right पार्ट में जो एलिमेंट्स है जब इन दोनों का काउंट करेंगे तो इट इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ कंपेरिजन है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे क्या करेंगे बेटा डिपेंड करेंगे सो इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये इस पर डिपेंड कर जाएंगे अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हमें कितनी मिलेगी तो हम मास्टर्स मैथड लगा सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी so कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो अनइक्वल पार्ट होंगे या फिर सिर्फ जैसे क्विक शॉर्ट क्विक शॉर्ट में क्या हो रहा था कि 2t n बाई टू सिर्फ बेस्ट केस में हो रहा था

पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर अगला पॉइंट यह है कि एक्चुअली जो मर्ज एलगोरथ में वो वर्क कैसे कर रहा है तो सपोज टू बी यू है यह दो अरे दिया हुआ है अब हमें इन दोनों अरे को मर्ज करना है ये दो सब पार्ट है इनको मर्ज करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा ठीक है हम लोग क्या करते हैं यहां जस्ट सी है व्हाट वी आर डूइंग सपोज यहां पे मैंने इंडेक्स आई लिया और इस पर्टिकुलर को इंडेक्स जे माना ठीक है फर्स्ट सब पार्ट जो है उसका इंडेक्स आई लिया सेकेंड सब पार्ट जो है उसके फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स मैंने जे लिया अब मैंने ए ऑफ आई ए ऑफ आई मतलब वन इसको बी ऑफ जे या ए ऑफ जे ऑफ आई को ए ऑफ जे से मैंने कंपेयर किया विच वन इज ग्रेटर वन और टू विच वन इज ग्रेटर टू इज ग्रेटर तो स्मॉलर कौन हुआ वन स्मॉलर हुआ हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू है वो इस अरे के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा अब देखिए यहां हम लोग करते क्या है सपोज दैट कंप्लीट दैट कंप्लीट अनशॉर्टेड या शॉर्टेड जो भी पार्ट है ये किसी आपका अरे ए में है ठीक है जब हम इसकी फर्स्ट एलिमेंट को और इसका फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करके और स्टोर करते हैं तो वो हम किसी और अरे में जाके स्टोर कर देते हैं लाइक वी आर स्टोरिंग दैट इन अरे बी अरे बी में हमने कर 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 दिया, ठीक है? है, तो 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 इसके one को इससे two से compare किया, one is smaller? One is smaller, तो one यहां पे आ गया, फिर जो आई है, ये क्या क्या हो जाएगा, I++. तो उसको हम क्या कर देंगे, I++ कर देंगे, और इसको यहां से लेके हम लोग इस पोजिशन पे आ जाएंगे ठीक है ना वॉट टू डू वी नीड टू कंपेयर दिस थ्री विद टू सिंपल से याद रखेंगे कि जिस भी सब पार्ट का एलिमेंट आपका रिजल्ट में आ रहा है उसके इंडेक्स को इंक्रीज करना है

स्मॉलर, सो दैट इज़ तो ये और किया और सेवन इधर आ गया जैसे सावन इधर आया, आई की वैल्यू को इंक्रीज किया आई प्लस प्लस नाउ कैन वी से दैट जो आई है वो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया मतलब जो फर्स्ट सब पार्ट था उसमें जितने मैक्सिमम एलिमेंट थे उस पोजिशन से अगर आई बाहर चले जाता है तो वॉट टू डू स्टॉप दी कंपेरिजन

का ऑर्डर यहां पे शॉर्टेड सीक्वेंस है बट ऑर्डर ये भी हो सकता है कि वन टू थ्री फोर है इधर और यहां है, है तो दो शॉर्टेड पार्ट को जब आप मर्ज करते हो तो पहले में अगर एक्स एलिमेंट है और दूसरे में अगर वाई एलिमेंट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंपेरिजन लगेंगे वो एक्स प्लस वाई माइनस वन होंगे कितने होंगे बेटा एक्स प्लस वाई माइनस वन होंगे इससे ज्यादा कंपेरिजन नहीं लगेंगे इससे ज्यादा कंपेरिजेंस नहीं लग सकते ठीक है थीके? तो ये तो बात हुई मैक्सिमम की अगर हमसे पूछा जाता है कि वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड वेन वी वॉन्ट टू मर्ज टू सब पार्ट तो मैक्सिमम एक्स प्लस वाई माइनस वन हो गया है ना फर्स्ट में एक्स एलिमेंट है सेकंड में वाई एलिमेंट है तो एक्स प्लस वाई माइनस वन अब अगर मिनिमम की बात करें तो यू कैन सी सीयर फर्स्ट अरी कंसिस्ट एलिमेंट सपोज वन टू थ्री एंड सेकंड पार्ट कंसिस्ट एलिमेंट लाइक फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ओके यहाँ पे इंडेक्स आपने आई ले लिया इसको इंडेक्स जे ले लिया अब आपने फर्स्ट को उससे कंपेयर किया इज इज स्मॉलर स्मॉलर फिर को इंक्रीज करके इधर आ गए फिर और फोर को कंपेयर किया टू देखिए ये ये दो कंपेरिजन हो गए पहला वन को कंपेयर किया था फिर टू को कंपेयर किया देन टू स्मॉलर टू यहां आया तो फिर आई प्लस प्लस कर दिया नाउ थ्री कंपेयर विद इज अनादर कंपेरिजन और थ्री यहां आ गया आई प्लस प्लस आई इस इंडेक्स के बाहर चले गया तो सेकेंड के सारे एलिमेंट डायरेक्टली अपेंड कर देंगे विदाउट एनी कंपेरिजन सो नंबर ऑफ कंपेरिजन हमें कितने लगे सिर्फ और सिर्फ थ्री सो so अगर आपसे कोई पूछता है कि वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड सो इट इज सिंपली मिनिमम ऑफ एक्स वाई दोनों पार्ट्स में से जो सबसे कम एलिमेंट है वो मिनिमम होंगे यस yes, संडे बेटा आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो सेशन को ठीक है तो स्टार्टिंग का जो हालांकि मैंने मर्ज शॉट ही पता है और कॉन्सेप्ट भी कम्प्लीट ही होने वाला है तो अगला आप, आ, कर सकते इसको फिर देख लेना डीबीएमएस मैराथन कब होगा आ, राधे डीबीएम मैराथन हम लोग बेटा जल्दी ही लेंगे प्रॉबेबिलिटी ये सैटरडे संडे मैं ट्राई कर रहा हूँ लेने का है ना तो अभी वीक डे में तो हम लोग नहीं ले रहे बट यस yes, इस सैटरडे या संडे में डेफिनेटली सैटरडे uh, अगर हुआ तो मॉर्निंग uh, सेशन में सैटरडे या संडे में हम लोग रखेंगे सो ऑल ऑफ यू एग्री फॉर द मॉर्निंग सेशन कोई दिक्कत तो नहीं सुबह रखे क्लास तो डी बी एम एस मैराथन उसमें बेसिकली एस क्यू एल हम लोग पढ़ेंगे एस क्यूएल पर थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे डी बी एम एस तो मैंने पूरा करवा दिया बट एस क्यूएल में कुछ लोगों को और कुछ क्या मेरे हिसाब से बहुत कुछ लोगों को जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उसमें एस क्यूएल में दिक्कत आ रहा होगा तो एस क्यू एल मैराथन हम लोग लेने का सोच रहे हैं सो ऑल ऑफ यू एग्री फॉर द एसक्यूएल मैराथन सभी बच्चे एग्री हैं इसके लिए है ना उसमें थोड़ा सा और हम लोग कॉन्सेप्ट uh, को एक बार रिवाइज कर लेंगे है ना सो थ्री टू फोर आर का सेशन में लेने की सोच रहा हूँ चार घंटे का करीबन तो फोर आर में एसक्यूएल को अच्छा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और इफ़ रिक्वायर्ड तो दो सेशन एसक्यूएल के ले लेंगे दो मैराथन ले लेंगे डोंट वरी बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस हम लोग हाँ हाँ मैं बता दूंगा एस क्यू एल के जो टॉपिक्स है आई विल आई विल गिव यू द टॉपिक्स एक बार पढ़ के भी आओगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी उसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कॉन्सेप्ट भी करेंगे मतलब आ, इस तरीके से कुछ सेशन को हम लोग ले लेंगे कि वहाँ पे पहले थ्योरेटिकली आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी थिंग एंड देन उसके ऊपर फिर कुछ एस क्यू एल की क्वायरीज को कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा हमारा ठीक है क्योंकि ओवरऑल अगर कहीं मार्क्स डीबीएमएस में कटते हैं बच्चों के तो एसक्यूएल में कटने के चांस होते हैं क्योंकि वहां आप गलतियां करके आ जाते हो तो उन मिस्टेक्स को भी हम लोग देखेंगे कि जो डिफॉल्ट uh, स्टूडेंट करता ही है है ना क्योंकि ऐसा होता ही है कि हर साल बच्चा वो वाली मिस्टेक करना ही है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या मिस्टेक होने वाली तो वो मिस्टेक्स भी मैं आपको बताते जाऊंगा कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो तो वो कर लेंगे बेटा है ना तो इस सैटरडे संडे में प्लान अप कर लेंगे हंड्रेड एंड वन परसेंट एस को डोंट वरी ओके okay, चलिए तो ये आपका मैक्सिमम और स्टेटमेंट मतलब हो गई और एग्जेक्टली exactly कितने नंबर ऑफ कम्पेरिजन लग रहे तो वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा जैसे मैंने ये देखा क्लियर है क्योंकि मिनिमम ये हो सकता है मैक्सिमम ये हो सकता है बट किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में कोई भी आ सकती है ना मैक्सिमम से ज्यादा कभी नहीं लगेंगे ये गारंटेड है मिनिमम से कम कभी नहीं लगेंगे ये गारंटेड है बट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई भी रिजल्ट आ सकता है सो so, एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं सपोज टू भी मैंने कुछ नंबर्स लिए यहां पे सिक्स एट इलेवन थर्टी एंड द सेकंड पार्ट कंसिस्ट टू फोर थ्री टू फोर एटीन चलिए ये दो सब पार्ट है इन दोनों पार्ट के हम लोग को मर्जिंग करनी है सो टेल मी वॉट इज द नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड कितने कंपेरिजन लगेंगे यूजिंग मर्ज एल्गोरिथम

ओके okay, कितने लग रहे हैं सूरज धीरेन्द्र कृष्णा नाइन तेजस से इज दैट एट ओके okay. चेक कर लेते हैं चेक कर लेते हैं इसको इंडेक्स आई ले लिया हमने और इसे इंडेक्स हमने जे ले लिया ठीक है अब नाउ सिक्स कंपेयर विथ टू सो व्हाट इज़ स्मॉलर वैल्यू टू इज़ स्मॉलर सो ये जे को प्लस किया इधर ये एक कंपेरिजन हमें लगा नाव सिक्स कंपेयर विथ फोर सो फोर इज स्मॉलर फिर जे को प्लस किया एक इधर आ गए टू कंपेरिजन हो चुके हैं नाउ सिक्स कंपेयर थर्टीन, सो सिक्स इज हियर, आई को प्लस किया थ्री कंपेरिजन्स नाउ एट कंपेयर थर्टीन, सो एट इज स्मॉलर फिर आई को प्लस किया ये फोर कंपेरिजन हो गए इलेवन कंपेयर थर्टीन, सो इलेवन इज स्मॉलर जो इसे प्लस किया ये फाइव कंपेरिजन हो गए नाउ थर्टी कंपेयर विद्टीन सो थर्टीन इज स्मॉलर ये सिक्स कंपेरिजन हो गए नाउ थर्टी कंपेयर विद स्मॉलर ये सेवन कंपेरिजन हुए और जे प्लस हो इधर आ गया ओके नाउ थर्टी कंपेयर विथ फिफ्टीन सो थर्टी इज स्मॉलर सो थर्टी इज द्लस प्लस सो ये टोटल कितने कंपेरिजन हो गए आपके एट कंपेरिजन हो गए नाउ फिफ्टी कंपेयर विथ सिक्सटी सो फिफ्टी इज स्मॉलर फिफ्टी इधर आया ये नाइन्थ कंपेरिजन हुआ I++. प्लस प्लस जैसे आई I आपका 50 से बाहर गया मतलब फर्स्ट अरे के आउट ऑफ इंडेक्स गया वो तो सेकेंड सेकेंडरी के रिमेनिंग एलिमेंट्स डायरेक्टली अपेंड हो जाएंगे 60 70 एंड 80 सो द नंबर ऑफ कंपैरिजन इज हाउ मच इट इज नाइन. सो नाइन कंपैरिजन्स आपको लगेंगे कंपैरिजन्स आर नाइन. तो एग्जैक्टली 9 कंपैरिजन्स लगेंगे आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो इज इट क्लियर ये क्लियर है आप लोगों को ठीक है तो दैट वुड बी द दैट वुड बी द कांसेप्ट बिहाइंड द मर्ज शॉट अब देखिए मर्ज शॉर्ट पे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मतलब किस टाइप से मर्ज शॉर्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है सो so, एक उसका समरी हम लोग बना लेते हैं मर्ज शॉर्ट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मर्ज शॉर्ट के ऊपर अगर पूछा जाएगा तो इट इज रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से इट इज प्योर डिवाइड एंड कॉन अप्रोच सबसे पहला मर्ज शॉर्ट इज प्योर डिवाइड एंड कॉन अप्रोच सबसे पहला क्वेश्चन ठीक है सेकेंड क्वेश्चन जो रिलेटेड टू द मर्ज शॉट हो सकता है वो आपका आ जाएगा मर्ज एल्गोरिथम जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने लगेंगे एक्स प्लस वाई माइनस वन एंड मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने लगेंगे सो इट इज मिनिमम ऑफ एक्स वाई मिनिमम ऑफ एक्स वाई दैट वुड बी द सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है अब कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो वॉट वी कैन से दाइम कॉम्प्लेक्सिटी एसिंपली टीटा एन लॉग इन ठीटा एन लॉग इन दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल केसेस इन ऑल केसेस सारे ही केसेज में एन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी फोर्थ इफ एयर टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी चेक करो एम ऑडिबल आवाज आ रही क्या बेटा अभी चेक इट वंस ओके चलिए सो पॉइंट मैंने क्या कहा था मर्ज शॉर्ट में सबसे पहला पॉइंट तो इट प्योर डिवाइडिंग कौन कर अप्रोच सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मर्ज शॉर्ट में मर्ज एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं

तो यहां अगर आप इटरेटिवल एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर चेंजेस आने के क्या होता है आपको बताया कि जब हम दो सब पार्ट को मर्ज करते हैं तो रिजल्ट हम नेक्स्ट अरे में स्टोर कर रहे हैं मतलब व्हाट वी आर वी आर क्रिएटिंग वन एक्स्ट्रा अरे वी आर क्रिएटिंग वन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट तो जो डेटा स्पेस है वो कितनी हो जाती है बेटा यहाँ पे एन हो जाती है और कोड एग्जीक्यूशन स्पेस अगर इटरेटिव तो वहीं पे अगर इनपुट तो 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 था बट आउटपुट स्टोर करने के लिए आप दूसरी अरे यूज कर रहे हो तो डेटा स्पेस आपका कितना हो गया एन हो गया कोड एग्जीक्यूशन स्पेस तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका अरे है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है टी एन कॉल टू टी एन बाई टू तो मतलब जो रिकर्सिव कॉल होगा तो वो क्या करेगा फर्स्ट पार्ट के लिए जो स्टेक अपना मेमोरी एरिया ग्रो करेगा सेकेंड वाला पार्ट उसी मेमोरी एरिया को यूज करके और क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो तो वी कैन से द कोड एग्जीक्यूशन स्पेस फॉर दिस इज लॉग इन अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो एन प्लस वन भी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ही लिखना है और एन प्लस लॉग इन भी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन ही लिखना है क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है इन दोनों में जो बड़ा फंक्शन होता है उस पर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी डिपेंड करती है

टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस एन ये रिकरेंस रिलेशन होगा ये रिकरेंस रिलेशन होगा ये रिकरेंस रिलेशन होगा ठीक है फिर यहां पे हम लोग मर्ज शॉट को क्या कह सकते हैं इट इज आउट प्लेस शॉर्टिंग टेक्निक ये इन प्लेस नहीं होती है आउट प्लेस शॉर्टिंग टेक्निक होती है इट इज आउट प्लेस शॉर्टिंग टेक्निक ठीक है तो ये चीज ध्यान रखेंगे अनदर पॉइंट इज इट इज स्टेबल शॉर्टिंग टेक्निक

तो क्विक शॉट का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है केस में वो कॉन्स्टेंट होता है लेकिन यहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया बेटा थीटा तो अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम की बात करें तो वी कैन से दैट क्विक शॉट वर्स्ट केस में आपको एन स्क्वायर टाइम दे रहा है लेकिन ऑन एन एवरेज वो एनलॉग इन टाइम देता है मर्ज शॉट भी ऑन एन एवरेज एनलॉग इन टाइम देता है लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्विक शॉट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा है तो अगर हम स्पेस पे फोकस करते हैं

और अगर रहे हैं तो वहां पर वर्स्ट परफॉर्मेंस देता है लेकिन इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह सभीलॉग इन परफॉर्मेंस देता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों में बात करें तो वी कैन गो विद मर्ज शॉट ऑनली अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसर्न है तो बट टाइम के साथ अगर स्पेस भी कंसर्न है तो यहां पे तो हमें एन स्पेस लग रही है जबकि हम क्विक शॉट में इटिलिटी वालगुरथम के थ्रू कांस्टेंट स्पेस में हमारा काम करवा सकते हैं और अगर रिकर्सिव भी यूज करते हैं तो वहां लॉग इन स्पेस में काम करवा सकते हैं लेकिन यहां पे एन स्पेस लग रहा है तो ये पॉइंट्स को हम लोग कंपेयर करके और आंसर दे सकते हैं ठीक है तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्विक शॉट इज बेटर एज कंपेयर टू दी मर्ज शॉट बेटा डेटा कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेटा कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है द पॉइंट इज वॉट अगर वो वर्स्ट कंडीशन पे जा रहा है तो दिक्कत है तो मर्ज शॉर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा कितना भी हो क्विक शॉट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा कितना भी हो बट क्विक शॉट में दिक्कत क्या है क्योंकि क्विक शॉट कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि हम जो प्राइवेट एलिमेंट ले रहे हैं अगर वो लिस्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो, तो कोई दिक्कत नहीं बट वो अगर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है या फिर अगर सिंगल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो फॉर ऑल द केसेस यू कैन गो विद मर्ज शॉर्ट बट क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता है कि स्पेस इज ऑल्सो द कंसर्न अगर स्पेस भी कंसर्न है देन वी कैन गो विद क्विक शॉर्ट ओके चलिए तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे आपके जो आ सकते थे अब जो पॉइंट है आप जो पूछ रहे हो कि आ, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका राइट डाउन द कॉन्सेप्ट दैट इज टू वे मर्ज शॉर्ट टू वे मर्ज शॉर्ट लिखे टू वे टू वे मर्ज शॉट, टू वे मर्ज शॉट, टू वे मर्ज शॉट, टू वे मर्ज शॉट। धीरेन्द्र आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं आ, पहले टू वे मर्ज शॉट देखिए फिर तीनों में वो जो आप पॉइंट पूछ रहे हो ना कि अगर मेमोरी की साइज है तो क्या करना है सो so, उसको भी मैं कंपेयर करवाता हूँ ठीक है पहले लिखिए टू वे मर्ज शॉट अब देखिए टू वे मर्ज शॉट इज सम हाउ डिफरेंट एज कंपेयर टू द मर्ज शॉट जो अभी हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा अलग होता है ये है ना उससे थोड़ा अलग होता है अब अलग किस तरीके से होता है लेट सी यार सपोज टू बी आई एम हैविंग एन अरे दैट कंसिस्ट एलिमेंट एट फाइव इलेवन टेन फोर सिक्स सेवनटीन थ्री नाइन फॉलोइंग एलिमेंट्स और हमें क्या करना है इन एलिमेंट्स को मर्ज करना है यूजिंग दू वे मर्ज शॉर्ट एलगोरिथम तो अब अभी हमने डिस्कस किया मर्ज शॉर्ट एलगोरिथम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया मर्ज uh, शॉर्ट के बारे में अब टू वे मर्ज शॉर्ट का मतलब क्या है सो व्हाट वी आर डूंग स्ट्रेट देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जो हमारी बिग प्रॉब्लम होती है उसको टू सब पार्ट में डिवाइड करते फर्स्ट सब पार्ट एंड द सेकेंड सब पार्ट

डिफरेंट पार्ट तो आपने स्टार्टिंग में ही सारे अलग अलग मान दी और आपने क्या किया शुरू से टू वे ना मतलब दो अरे को आप लोग मर्ज करते फर्स्ट को सेकेंड को, के साथ नाव इट ड मैटर अब यहां पे मैंने वो किया ही नहीं है कि बिग प्रॉब्लम को पहले टू पार्ट में डिवाइड किया फिर टू को फिर पार्ट में डिवाइड किया ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि अगर हम जिस तरीके से वहां पर क्या होता है जिस तरीके से आप डिविजन करते हो आपकी मर्जिंग भी सिमिलर फैशन में होती है ठीक है तो अगर आपने सपोज फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में फाइव एलिमेंट लिए और सेकंड पार्ट में फोर एलिमेंट लिए तो जब मर्ज होंगे तो वही फाइव एलिमेंट उन्हीं एलिमेंट के साथ में मर्ज होंगे यहां पे हमने क्या किया हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल ट्रीट किया और टू वे मर्ज है तो दो दो एलिमेंट्स को साथ साथ में हम लोग क्या करते जाएंगे दो दो पार्ट को साथ में क्या करते जाएंगे मर्ज करते जाएंगे सो टू पार्ट हमें लेना है लाइक लाइक और और सो सो इट इट इज बिकम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू टू सब पार्ट ले लीजिए और उनकी मर्जिंग करते जाइए सेवनटीन विथ थ्री सो इट बिकम थ्री सेवनटीन जो रिजल्ट आएगा वो शॉर्टेड सिक्वेंस मिलेगा थ्री सेवनटीन एंड नाइन सो नाइन इज एज इट इज क्योंकि सिंगल पार्ट था अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट की मर्जिंग कर दीजिए सो फाइव एट टेन 11, देन इसका इसके साथ मर्ज कर दीजिए सो इट बिकम थ्री सिक्स थ्री 4, 6, 17 and 9 is there. Now merge first part with the second part. So now it is 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, and merge that part with 9. Merge that part with 9. So finally three, four, five, six, eight, nine. टेन इलेवन एंड सेवनटीन लाइक दिस सो इन दोनों पार्ट्स को हमने मर्ज किया दैट इज टू वे मर्ज शॉर्ट तो ये आपका टू वे मर्ज शॉट है इज इट क्लियर इज इट क्लियर ठीक है अब यहां पे जो आप पूछ रहे थे कि रिजल्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है लाइक like, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक फर्स्ट एलिमेंट है है ना uh, जिससे आप जो रहे थे आफ्टर फर्स्ट पास व्हाट वुड बी द रिजल्ट आफ्टर सेकंड पास तो इसको आप ऐसे ले सकते हो फर्स्ट पास आपने परफॉर्म किया तो उसके बाद ये आपका रिजल्ट होगा सो जस्ट पुट दैट कंप्लीट रिजल्ट इन अ सिंगल पार्ट दैट वुड बी द रिजल्ट आफ्टर दास सेकंड पास के बाद रिजल्ट क्या है सो दैट कंप्लीट आफ्टर द सेकेंड पास दैट कंप्लीट आफ्टर थर्ड पास एंड द फाइनल रिजल्ट फाइनल शॉर्टेज सिक्वेंस यू गॉट आफ्टर पास फॉर दिस पर्टिकुलर सब पार्ट चलिए क्लियर इतना क्लियर इतना नाउ सी इफ यू हैव सर्टेन एलिमेंट्स 18 5 11 3 4 6 2 13 19 20 21 22 19 20 फिफ्टी सेवनटीन एट ओके ये एलिमेंट्स आपको दिए हुए ठीक है टू वे मर्ज शॉर्ट आपको अप्लाई करना है और आपसे क्वेश्चन पूछा है वॉट इज वॉट इज रिजल्ट आफ्टर थर्ड पास थर्ड पास के बाद क्या रिजल्ट होगा बताइए वॉट इज रिजल्ट आफ्टर थर्ड पास वॉट इज रिजल्ट आफ्टर थर्ड पास <clears throat> tell me what is result after third pass what is result after third pass फोर्थ पास में फुल शॉर्टेड अरे आपको मिल रहा okay, uh, 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 है वहां पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लेट्स so, पहले मैं इसको नॉर्मली टू वे मर्ज शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ और फिर जो आप बोल रहे हो कि मर्ज शॉर्ट से कैसे करना है तो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो तो टू वे के हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है बस आपको हर एलिमेंट को इंडिविजुअल ट्रीट करना है हर एलिमेंट को इंडिविजुअल ट्रीट करना है ओके okay? और टू टू एलिमेंट्स की टू टू पार्ट की मर्जिंग करते जाना है फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब पहला एलिमेंट दूसरे के साथ फर्स्ट पार्ट दूसरे पार्ट के साथ सो इट इज फाइव एटीन नाव इट बिकम अ सिंगल पार्ट देन इलेवन विथ थ्री सो इट बिकम थ्री इलेवन देन फोर विथ सिक्स सो इट बिकम फोर सिक्स टू विथ थर्टीन सो इट बिकम टू थर्टीन 19 विथ 20, so it become नाइनटीन 50 with 17, so it becomes बिकम सेवनटीन फिफ्टी यू शुड रिमेंबर the point is what after the merging, जैसे आप merge करते हो ना उसके बाद में जो resultant आपके पास part मिल रहा है वो शॉर्टेज sequence में लिखना है आपको बहुत बार हम लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं 5 इट 3, 11 जब ये दोनों merge होंगे तो it become 3 5 11 18. Then इसको हम इससे merge करेंगे so it become 2. टू फोर सिक्स थर्टीन नाव दिस पार्ट मर्ज विद दिस पार्ट सो सेवेंटीन नाइंटीन ट्वेंटी फिफ्टी एंड अगेन एट इज एज इट इज सो ये फर्स्ट पास के बाद रिजल्ट है ये सेकेंड पास के बाद रिजल्ट है नाउ वन मोर पास इज देर वन मोर पास इज देर सो दिस रिजल्ट मर्ज विद दैट रिजल्ट सो टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेवन थर्टीन एटीन तो आपको रिजल्ट जो ऑप्शन है उसमें सिंगल रिजल्ट मिलेगा लाइक दैट टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेवन थर्टीन एटीन एट सेवन ट्वेंटी फिफ्टी ठीक है सो यू गॉट अ सिंगल रिजल्ट है ना तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जब आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो ये बीच में ब्रैकेट ऐसे नहीं लगे होंगे सिंपली योर आंसर इज इज लाइक दैट दैट वुड बी द फाइनल रिजल्ट दैट वुड बी द फाइनल रिजल्ट ओके अब देखिए ये जो रिजल्ट आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है टू वे मर्ज शॉट से आ रहा है है ना ये रिजल्ट टू वे मर्ज शॉट से आ रहा है अब अगर हम यहाँ पे मर्ज शॉट अप्लाई करते तो क्या डिफरेंस आता है तो मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ फाइनल रिजल्ट ये था कंपैरिजन में हमें आसानी होगी नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मर्ज शॉट चलिए मर्ज शॉट क्या कहता है मर्ज शॉट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिवाइड दिस अरे इनटू दी टू इक्वल पार्ट टोटल एलिमेंट्स कितने ये इंडेक्स जीरो हो गया जीरो सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व सो टोटल ट्वेल्व एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ठीक है तो जीरो से हम इलेवन ले जाते हैं तो जो सिक्स एलिमेंट है या जो फिफ्थ एलिमेंट है सो so जीरो वाला जो एलिमेंट है ये हो गया आपका ये हो गया तो ये फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्स आ जाएंगे ये सेकेंड पार्ट में आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे है ना टोटल टू टोटल एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट यहां से यहां तक आ गए सेकेंड पार्ट के एलिमेंट वो हो गए अब आपको फिर इस पार्ट को फर्दर डिवाइड करना है तो फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट एलिमेंट अप टू फोर एंड द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट थ्री एलिमेंट्स फिर यहाँ पे ये थ्री एलिमेंट इधर आ जाएंगे ये थ्री एलिमेंट इधर आ जाएंगे नाउ ये फोर एलिमेंट है फर्स्ट पार्ट में तो फिर इसका डिविजन होगा तो टू एलिमेंट्स आधार एन टू एलिमेंट्स आधार फिर यहाँ थ्री एलिमेंट थे तो टू एंड वन यहाँ थ्री थे तो टू एंड वन और यहाँ पे भी थ्री थे तो टू एंड वन इस तरीके से डिवाइड हुआ फिर एक बार और डिवाइड होगा सो so, ये टू पार्ट है तो वन वन एलिमेंट यहां आ गया यहां पे भी वन वन एलिमेंट आ जाएगा यहां वन वन एलिमेंट ये सिंगल एलिमेंट ही था इट अगेन वन वन एलिमेंट ये सिंगल एलिमेंट था ये वन वन एलिमेंट ये सिंगल एलिमेंट था अब पॉइंट क्या है कि सर यहां पे भी तो हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल एलिमेंट में ही डिवाइड हुआ बिल्कुल हरे का हर एक पार्ट सिंगल सिंगल एलिमेंट में डिवाइड हो रहा है लेकिन जिस तरीके से डिविजन हो रहा है मर्जिंग उसी तरीके से होगी जबकि टू ए मर्ज शॉर्ट में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड दो दो एलिमेंट्स को मर्ज करते जाते दो दो पार्ट को मर्ज करते जा रहे थे यहां पर ऐसा नहीं होगा अब यहां पर यह जो पार्ट है ये इसी पार्ट के साथ मर्ज होगा ठीक है तो जब इन दोनों का मर्ज किया तो रिजल्ट कितना आया फाइव फिटीन अब ये जो पार्ट है ये इस पार्ट के साथ मर्ज होगा सो so इट इज थ्री इलेवन अब ये जो पार्ट है ये इस पार्ट के साथ मर्ज होगा इट इज फोर सिक्स ठीक है अब ये जो पार्ट है ये इंडिविजुअल ही रहेगा टू जबकि टू वे मर्ज शॉर्ट में हम क्या कर रहे थे इस एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से मर्ज कर दे रहे थे बट यहां ऐसा नहीं करना है तो जिस तरीके से डिविजन हुआ है उसी तरीके से मर्जिंग होगी

13, 17, 19, 20, 50. तो देखिए थोड़ा डिफरेंस आ रहा है यहां पे 11, 13 यहां देखिए यहां 11, 13, 18 आ रहा था यहां पे 11, 18 इधर आ रहा है 13 उस साइड पहुंच गया तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो ये जो रिजल्ट है आफ्टर दी थर्ड पास यूजिंग मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम और ये जो रिजल्ट है दैट इज आफ्टर दी थर्ड पास यूजिंग टू वे मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम वे मर्ज शॉट एल्गोरिथम ओके सो ये क्लियर है बेटा डिफरेंस क्लियर है क्या आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर है क्या आप लोगों को हाँ बेटा अगर इवन नंबर है तो दोनों में सेम ही काम करेगा बिल्कुल क्योंकि इवन इवन में भी अगर टू की पावर में नंबर है तो टू की पावर में इवन में टू दी पावर में नंबर है तो सेम काम करेगा जैसे एट एलिमेंट है तो दोनों सेम वर्क करेंगे सिक्सटीन एलिमेंट है तो दोनों सेम वर्क करेंगे बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट टेन है तो दोनों डिफरेंट वर्क करेंगे क्योंकि टेन में क्या होगा फर्स्ट अरे फाइव एलिमेंट कंसिस्ट करेगा सेकंड अरे फाइव एलिमेंट कंसिस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको उन फाइव एलिमेंट की मर्जिंग अलग करना है और सेकंड फाइव एलिमेंट की मर्जिंग अलग करना है जबकि टू ए मर्ज मर्शॉर्ट में क्या होगा वो दो दो एलिमेंट्स का मर्ज करेगा तो आप कब दोनों का रिजल्ट सेम बोल सकते हो वेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू टू दी पावर तो टू टू पावर के फॉर्म में है तो ठीक है एग्जाम में दिया हुआ होगा बेटा आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि मर्ज शॉर्ट करना है या टू वे मर्ज करना है तो ऐसा एग्जाम में दिया हुआ होगा तो कंफ्यूज होने का कुछ जरूरत नहीं है अगर बोला है कि मर्ज शॉर्ट तो ये रिजल्ट है और बोला है कि टू वे मर्ज शॉट तो ये रिजल्ट है ठीक है तो वहां पे कंफ्यूज होने की नीड आपको नहीं है ठीक है कंफ्यूज होने की नीड नहीं है वहां पे आपको तो जैसा दिया है वैसा कर देंगे दैट्स इट चलिए तो दैट इज अबाउट द टू वे मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम अब देखिए ये अभी तक हमने जितने एलगोरिथम देखे ये सारे आपके कौन से एल्गोरिथम थे कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम थे ठीक है इसके अलावा एक और एल्गोरिथम होता है जो कि आ, हम लोग कहते हैं है. है. और उसके बाद एक एल्गोरिथम आता है आपका रेडिक शॉर्ट दैट इज द काउंटिंग बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम ठीक है तो पहले मैं आपको रेडिक शॉर्ट एक्सप्लेन करता हूं ठीक है हीप शॉर्ट लास्ट में करेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंदी uh, है पहले रेडिक शॉर्ट को कंप्लीट कर लेते हैं फिर हीप क्या होता है क्योंकि हीप शॉर्ट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वॉट इज हीप तो पहले हीप का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा फिर पहले हमें हीप क्रिएट करते आना चाहिए फिर हमें हीप को डिलीट करते आना चाहिए सो देर आर सो मेनी ऑपरेशन दैट वी नीड टू परफॉर्म ओवर द हीप उसको हम एक साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले एक टेक्निक है रेडिक शॉर्ट पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं देन विल बैक टू द हीप सो रेडिक शॉर्ट के लिए सबसे पहली बात तो क्या The first point about the radix sort is what? It is, it is counting based sorting technique. Counting based sorting technique. तो ये comparison based नहीं है। मतलब यहाँ पे हम elements को compare नहीं करते। यहाँ पे हम elements को compare नहीं करते, ठीक है? देखिए अगर डेटा की साइज हाँ डेटा की साइज अगर मेमोरी की साइज से बड़ी है देन क्विक शॉट वर्क और नॉट तो यहां पर आपकी अगर आपका जो एलिमेंट, से, एलिमेंट है अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है तो अगर हम आ, इसके फॉर्म की बात करें आ, किसकी मर्ज शॉट की बात करें तो मर्ज शॉट में हम थोड़े थोड़े एलिमेंट्स को ले जाके क्या कर रहे हैं शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं क्विक शॉट में आपको पूरी एरे को मेन मेमोरी में लोड करना होगा क्योंकि जो पाइवेट एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है पाइवेट एलिमेंट पहले सभी एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है उसके बाद लिस्ट आपके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ठीक है और फिर उन दोनों पार्ट को आप इंडिविजुअली क्या करवा सकते हो सोल्व करवा सकते हो सबसे बेस्ट अगर हम लोग बात करें जो बेस्ट ऑनलाइन टेक्निक होती है है ना वो हम इंसर्शन शॉट यूज करना चाहिए इंसर्शन शॉट क्योंकि इंसर्शन शॉट में सारे एलिमेंट्स को हमें एट रन, एट कंपाइल टाइम हमें पता हो ऐसा हमें नीड नहीं है मान लो अगर हमारे पास फोर एलिमेंट है तो हमने क्या किया हम शुरुआत इंसर्शन शॉट की शुरुआत कैसे होती है सबसे पहले आप एक ही एलिमेंट को लेकर चलते हो सेकंड एलिमेंट जब आता है तो आप उसको इंसर्ट कर देते हो थर्ड एलिमेंट जब आता है तब तो आप उसको इंसर्ट कर देते हो सपोज इनिशियली आई एम हैविंग फोर एलिमेंट एलिमेंट फर्स्ट को को मैंने माना सेकंड उसमें इंसर्ट किया फिर थर्ड को मैंने उसमें इंसर्ट किया फिर फोर्थ को मैंने इंसर्ट किया जब मैं फोर्थ इंसर्ट कर रहा था, था तब अगर एक एलिमेंट और आ गया रन टाइम पे आई कैन इंसर्ट दैट एलिमेंट ऑल्सो उस एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद एक एलिमेंट और आ गया था आई कैन इंसर्ट दैट एलिमेंट ऑल्सो मतलब रन टाइम पे अगर आपके पास इनपुट बढ़ता जाएगा तो आप शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ इंसर्सन शॉर्ट जो है वो ऑनलाइन शॉर्टिंग होती है ऑनलाइन शॉर्टिंग का मतलब ये है कि रन टाइम पे अगर नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज होते जा रहे हैं इंसर्सन शॉर्ट को कोई दिक्कत नहीं आप जितने डालते जाओगे वो क्या करेगा शॉर्टेड पार्ट में उस एलिमेंट को इंसर्ट करवाता जाएगा विद हेल्प ऑफ कंपेरिजन ठीक है जबकि इसके अलावा कोई भी शॉर्टिंग टेक्निक है उसमें सारे एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट होने जरूरी है अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ठीक है हम शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ये ये पॉइंट है टली डेफिनेटली वो इंटरनल शॉर्टिंग और एक्सटर्नल शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर आपका बिल्कुल डेटा साइज अगर मोर देन द मेन मेमोरी साइज है तो एक्सटर्नल शॉर्टिंग हम लोग यूज करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल शॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं मेमोरी से रिलेटेड ही होता है ठीक है तो अभी हम जब सारी शॉर्टिंग पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में और डिस्कशन करूंगा बट अभी पॉइंट uh, आया निकला है तो मैं आपको बता देता हूं इंटरनल शॉर्टिंग का मतलब क्या है इंटरनल शॉर्टिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि इफ यू आर डूइंग अवर शॉर्टिंग इन द मेन मेमोरी इट इज द इंटरनल शॉर्टिंग अब अगर सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है तो क्या हम मेन मेमोरी के अंदर शॉर्टिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे इन दैट कंडीशन हमको क्या करना पड़ेगा जो हमारी हार्ड डिस्क है उससे कुछ मेमोरी हमें लेनी होगी इसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं ना तो जब मेन मेमोरी की साइज कम हो जाती है तो हम हार्ड डिस्क की भी कुछ साइज को एज अ वर्चुअल ट्रीट करके और हम लोग वर्चुअल मेमोरी को यूज करते हैं तो इफ यू आर यूजिंग द वर्चुअल मेमोरी टू सॉल्व टू परफॉर्म दी देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल शॉर्टिंग तो वहां पे हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं ठीक है चलिए तो उन पॉइंट्स पे आएंगे मैं जितने भी पॉइंट है ना एट द एंड हम इसको सारी शॉर्टिंग टेक्निक को कंक्लूड करेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट <coughs> मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कुछ पॉइंट्स बोले थे जहां पे मैंने कहा था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा तो अभी हम लोग जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कंपेरिजन एंड काउंटिंग बेसिस के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें फिर एक आता है स्टेबल और अनस्टेबल तो उनके बेसिस पे मैं आपको पूरा एक चार्ट हम लोग बना लेंगे लाइक like दैट की स्टेबल शॉटिंग तो कौन सी है अनस्टेबल शॉर्टिंग कौन सी है फिर उसी के साथ में इंटरनल कौन सी है एक्सटर्नल कौन सी है एक्सटर्नल शॉर्टिंग में क्या यूज करना है इंटरनल शॉटिंग कैसे करना है फिर आपका ऑनलाइन शॉटिंग कौन सी है ऑफलाइन शॉटिंग कौन सी है उसके अलावा आपका क्वेश्चन आया था इन प्लेस शॉर्टिंग कौन सी आउट प्लेस शॉर्टिंग कौन सी है तो वो पूरा एक चार्ट बना लेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट सो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर ऐसा कुछ वो नहीं रहेगा अभी इंडिविजुअली एक एक के बारे में बात करेंगे तो याद रखना टफ हो जाएगा सारा एक ही एक चार्ट में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको तो वो इजिली याद रख पाओगे आप लोग तो अभी अभी बेसिक लॉजिक समझो इसका कि रेडिक शॉर्ट करना कैसे तो सबसे पहला पॉइंट कि काउंटिंग बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक होती है काउंटिंग बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक होती है सबसे पहली चीज मतलब यहां पर अब हमें एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करना सिंपली जो स्ट्रेटेजी है वो अब कुछ अलग है दैट इज द काउंटिंग बेस्ड पहली चीज ठीक है सेकेंड पॉइंट अब हम लोग यहां पे करते क्या है तो यहां बेसिकली हमें जो भी कीज दी हुई होती है हमें उस की के रेडिक्स से मतलब होता है रेडिक्स हम लोग इसे कहें या फिर हम लोग इसे कहते हैं बेस ऑफ दैट एलिमेंट मतलब जो नंबर्स हैं उनका बेस क्या है जैसे बेस से क्या मतलब हुआ

थर्टी एट चलिए नंबर्स हमें दिए हुए ये नंबर्स हमें दिए हुए, ठीक है अब इन नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इन नंबर्स को हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अब हमें कहीं कोई नंबर्स का कंपैरिजन नहीं करना है ना वी डू नॉट वांट टू कंपेयर नंबर्स तो हम लोग सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये किस फॉर्म में दिए हुए दे आर द डेसिमल नंबर्स डेसिमल नंबर मतलब क्या है इन नंबर्स का जो बेस है वो क्या है टेन है बाइनरी नंबर होता है तो बेस होता है, ऑक्टल नंबर होता है तो बेस एट होता है नंबर होता है तो बेस होता है। सिमिलरली इन नंबर्स का जो बेस है वो क्या है टेन है फॉर्मेशन ऑफ जीरो नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव एट एंड नाइन सो जो नंबर फॉर्मेशन है वो जीरो से नाइन का है तो आपको क्या करनी है नाइन जो टोटल से टोटल टेन क्यूज अब आपको लेके चलनी है मतलब हमें इन नंबर्स की शॉर्टिंग करनी है एंड वी वांट टू डू द शॉर्टिंग ऑफ दैट नंबर सो वी रिक्वायर एन नंबर ऑफ क्यूज कितनी क्यूज लेंगे बेटा हम एन क्यूज लेंगे अब एन क्यूज मतलब यहां पर बेस क्या है टेन है तो मतलब हम लोग टेन क्यूज लेंगे

फिर क्या लिखा हुआ टू थर्टी नाइन लास्ट नंबर इज नाइन सो ये नाइन नंबर की क्यू में जाके इंसर्ट हो जाएगा फिर क्या लिखा है थ्री थर्टी टू यह सेकेंड नंबर की क्यू में जाके इंसर्ट हो जाएगा वन हंड्रेड इलेवन सो लास्ट डिजिट इज वन तो ये भी नंबर की क्यू में ही जाके इंसर्ट होगा नाइनटी एट एट नंबर क्यू में जाके इंसर्ट हो गया थ्री फोर्टी सेवन सेवन क्यू वन टी सिक्स नंबर क्यू टू थर्टी वन फर्स्ट नंबर क्यू नाइन 938 एट एट नंबर क्यू गॉट इट तो इस तरीके से हमने डेटा को क्यू में क्या करवा दिया इंसर्ट करवा दिया अब हमें क्या करना है जितना भी डेटा हमने क्यू में इंसर्ट किया है ना वी नीड टू डिलीट ऑल दी डेटा फ्रॉम दी क्यू नंबर क्यू नंबर जीरो टू क्यू नंबर नाइन तो जीरो से नाइन तक का सारा डेटा हम लोग क्या करेंगे डिलीट करेंगे वन बाय वन वन बाय वन ठीक है तो क्यू नंबर जीरो में कोई डेटा नहीं है तो कुछ डिलीट नहीं होगा क्यू नंबर वन में हम देख सकते हैं कि यहां पर थ्री एलिमेंट्स है तो क्यू का कॉन्सेप्ट होता है क्यू फीफो पे वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो जो एलिमेंट उस क्यू में सबसे पहले गया था वो सबसे पहले बाहर होगा सबसे पहले इस क्यू में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट गया था वन जीरोन वन हंड्रेड इलेवन देन टू थर्टी वन देन सेकेंड नंबर क्यू को खाली किया थ्री थर्टी टू देन वन ट्वेंटी सिक्स देन थ्री फोर्टी सेवन देन नाइनटी एट देन नाइन थर्टी एट दिन टू थर्टी नाइन

LSB अकॉर्डिंग टू इट्स यूनिट पोजीशन योर डेटा एज इन असेंडिंग ऑर्डर बट कंप्लीट भी नहीं हुई है अब आपकी सारी क्यूज खाली हो चुकी है जीरो भी खाली है वन भी खाली है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सारी क्यूज खाली है तो अब आपको क्या करना है अगेन इन एलिमेंट्स को वन बाय वन क्यू में क्या करते जाना है इंसर्ट करते जाना है ठीक है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एल एस बी टू एम एस बी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अकॉर्डिंग इंसर्ट किया था यूनिट पोजिशन अब जो टेंथ पोजिशन है मतलब जो मिडिल नंबर है उसके अकॉर्डिंग जीरो तो यह जीरो क्यू में चले गया वन 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 इसमें आ गया टू थर्टी वन थर्ड नंबर क्यू थ्री थर्टी टू थर्ड नंबर क्यू वन ट्वेंटी सिक्स सेकेंड नंबर क्यों थ्री फोर्टी सेवन फोर्थ नंबर क्यों 98, एट नाइन्थ नंबर क्यों नाइन थर्टी एट थर्ड नंबर क्यों टू थर्टी नाइन थर्ड नंबर क्यों ये इंसर्शन हो गया अगेन डिलीट फ्रॉम क्यू नंबर जीरो टू क्यू नंबर नाइन सो वन जीरो वन वन हंड्रेड इलेवन वन ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी वन थ्री थर्टी टू नाइन थर्टी एट टू थर्टी नाइन थ्री फोर्टी सेवन एंड नाइनटी एट अब अगेन हम लोग देखेंगे क्या हमारा डेटा शॉर्टेड सिक्वेंस में आया क्या अभी नहीं आया अभी भी रेंडम ऑर्डर ही है बट अगर आप इसकी लास्ट टू पोजिशन को देखेंगे ना तो वन इलेवन ट्वेंटी सिक्स थर्टी वन थर्टी टू थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी सेवन एंड नाइनटी एट सो वॉट वी कैन से अकॉर्डिंग टू द लास्ट टू एलिमेंट्स या अकॉर्डिंग टू द लास्ट टू डिजिट यस बट कंप्लीट डेटा इज स्टिल नॉट सिक्वेंस सो so अगेन आपकी क्यूज खाली हो चुकी है अगेन आपकी क्यूज खाली हो चुकी है नाउ अगेन इंसर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू दैर थर्ड बिट थर्ड लेस सिग्निफिकेंट बिट या फिर हम बोले कि नाउ इट इज एम एस बी सो वन जीरो वन क्यू नंबर वन में गया वन 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 क्यू नंबर वन में गया वन ट्वेंटी सिक्स क्यू नंबर वन में गया टू थर्टी वन हेयर थ्री थर्टी टू हेयर नाइन थर्टी एट हेयर टू थर्टी नाइन इज इन सेकेंड थ्री फोर्टी सेवन इज इन थर्ड एंड द लास्ट वन इज नाइन एट अब नाइन्टी एट को कौन सी नंबर की में भेजेंगे हम लोग नाइनटी एट कौन से क्यू में जाएगा बताए नाइनटी एट कौन से नंबर की क्यू में जाएगा तो नाइनटी एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं जीरो नाइन एट लिख सकते हैं तो नाइनटी एट गोज इन दीरो नंबर क्यू इट इज जीरो नाउ डिलीट फ्रॉम द क्यू नंबर वन टू लास्ट सो जीरो नाइन एट वन जीरो वन 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 एंड 938 कैन वी कैन दैट नाउ योर आंसर इज इन शॉर्टेज सीक्वेंस इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर तो अभी आपका नंबर आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है यहाँ पे योर नंबर इज इन असेंडिंग ऑर्डर ओके सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट

सिर्फ हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया एलिमेंट को डिलीट किया एलिमेंट को इंसर्ट किया एलिमेंट को डिलीट किया एलिमेंट को इंसर्ट किया एलिमेंट को डिलीट किया, किया, किया यही काम हम लोग करते जा रहे हैं और फाइनली हमें शॉर्टेज सिक्वेंस मिल गया क्लियर है विदाउट कंपेयरिंग एनी एलिमेंट ठीक है पॉइंट क्या है यहां पे आपको टेन नंबर क्यूज लेनी है जीरो से नाइन तक एलिमेंट को लिस्ट सिग्निफिकेंट बीच से इंसर्ट करना है पहली बार फिर डिलीट करना है फिर सारे एलिमेंट्स को जो डिलीटेड ऑर्डर में रिजल, रिजल्ट आपको मिला है उसको फिर से इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एल एस बी फिर थर्ड एल फिर फोर्थ एल ऐसे एल से टू वर्ड एमएसबी आपको जाना है तो राइट टू लेफ्ट स्कैन करते, करते हुए मैक्सिमम <coughs> कितनी बार आपको इंसर्शन करना, करना पड़ेगा तो कैन वी कैन वी से जो लग रहे हैं क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर द फर्स्ट पास तो ये फर्स्ट पास की बात का रिजल्ट है ट इज द रिजल्ट आफ्टर दी सेकंड पास तो ये रिजल्ट एंड वॉट इज द रिजल्ट आफ्टर दी थर्ड पास तो ये रिजल्ट है तो थर्ड पास के बाद आपको शॉर्टेज सिक्वेंस मिल गया तो कैन वी से दैट कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिजिट का नंबर होगा ये थ्री डिजिट नंबर थे तो थ्री टाइम्स आपको करना पड़ा अगर ये फोर डिजिट नंबर होते तो फोर टाइम्स करना पड़ता अगर ये फाइव डिजिट नंबर्स होते तो फाइव टाइम करना पड़ता तो अल्टीमेटली वी नीड टू परफॉर्म दिस इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स अब देखिए यहां पे अगर हम लोग इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करता हूं सो so एग्जेक्टली exactly हम लोग परफॉर्म क्या कर रहे है? जो क्यू है उस क्यू पे क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं और क्यू में एलिमेंट को डिलीट कर रहे है? ठीक है तो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगता है सो वी कैन से दैट इट इज द कॉन्स्टेंट टाइम और एक एलिमेंट डिलीट करने में भी टाइम कितना लगता है कॉन्स्टेंट टाइम लगता है ठीक है टू परफॉर्म ई क्यू डी क्यू ऑपरेशन इन क्यू ठीक है, a point है, a point है कि कितने एलिमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स करना है तो एन कीज को इंसर्ट करने में एन टाइम लगेगा भाई ए की को इंसर्ट करने में वन टाइम लगता है तो एन की को इंसर्ट करने में एन टाइम लगेगा और इन एन की डिलीट करने में भी कितना टाइम लगेगा एन टाइम्स लगेगा तो टोटल टाइम कितना एन प्लस एन मीन टू एन टाइम्स लगा हमें क्यू में इंसर्ट करने में और डिलीट करने में और ये टू एन टाइम्स जो लग रहा है ये कितनी बार हमें परफॉर्म करना है तो इट डिपेंड्स ऑन दी मैक्सिमम डिजिट सपोज मैक्सिमम डिजिट डिजिट नंबर है सो टू एन इंटू के टाइम्स वी नीड टू डू दैट थिंग टू एन इंटू के टाइम्स वी नीड टू डू दैट थिंग टू कॉन्स्टेंट है तो कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन के कह सकते हैं थीटा कह सकते हैं वेर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड के इज मैक्सिमम डिजिट नंबर ट एन इज़ नंबर ऑफ़ के इज मैक्सिमम डिजिट नंबर अब अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एन है अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बेटा वो तो एन है और जो के है अगर के कांस्टेंट है के कांस्टेंट है या फिर एन और K के के कंपैरिजन में बात करें तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ की मच ग्रेटर देन द्री डिजिट नंबर है

तो रेडिक शॉर्ट एल्गोरिथम में जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलती है वो कितनी मिलती है थीटा मिलती है अगर के कॉन्स्टेंट है तो अगर के कॉन्स्टेंट है तो बट जनरली नंबर हम लोग जो लेते हैं उसका जो डिजिट होगा वो कॉन्स्टेंट ही तो होगा ना थ्री डिजिट नंबर होगा फोर डिजिट होगा फाइव डिजिट होगा अब अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे ना, ना? क्योंकि गेट का क्वेश्चन है कुछ भी पूछ सकता है इफ वी हैव इफ वी हैव एन डिजिट एन नंबर्स अगर ऐसा बोला है कि इफ़ वी हैव एन डिजिट नंबर्स, देन ऑफ़ बिकम थीटा स्क्वायर। सिर्फ किस केस में जब आपके पास N से और हर का जो है जनरली ऐसा होता नहीं है बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि एन डिजिट एन नंबर एन स्क्वायर अदरवाइज योर कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा एन अदरवाइज योर कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा एन चलिए क्लियर इतना इतना क्लियर है आपको अच्छा रेडिक शॉट को इन प्लेस शॉटिंग टेक्निक कहेंगे या आउट प्लेस शॉटिंग टेक्निक कहेंगे रेडिक शॉट इज प्लेस शॉटिंग टेक्निक और आउट प्लेस शॉटिंग टेक्निक रेडिक शॉर्टेस प्लेस शॉर्टिंग टेक्निक ड्यू टू दे आप देख सकते हो ना यहां पे हमें ये एन नंबर है तो ये तो हमें इनपुट मिल जाएगा लेकिन हमें यूज करनी पड़ रही है सो दैट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस तो यहां पे तो हम कह सकते इट यूजेस्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस एक अरे है लेकिन आपको ऐसी टेन अरेज लेनी होगी और हर अरे का जो साइज है वो आपको मैक्सिमम एन साइज का अरे लेना पड़ेगा क्यू सेक्स का हो सकता है कि सारे नंबर्स में जो मिडिल पोजीशन है वो सभी एलिमेंट तो तो ही पड़ेगा ना तो क्यू का साइज कितना होगा एन अगर एन एलिमेंट्स है तो हर क्यू का साइज एन होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें यूज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस की नीड है तो रेडिक शॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो गई बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है ना हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस यहां पे लेके चलनी पड़ती है हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस यहां पे लेके चलनी पड़ती है ठीक है नासी है नासी है तो एक पॉइंट हम लोग यहां पे कह सकते हैं इट इज आउटप्लेस शॉर्टिंग टेक्निक आउटप्लेस शॉर्टिंग टेक्निक

काउंटिंग बेस्ड है ये याद रखने वाली बात है सो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई है ना दिस इज दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी तो आप कितनी कितने आप क्यूज लेके चल रहे हो वो किस पे डिपेंड कर रहा है तो एन साइज का क्यू आपको लेके चलना है एक्स्ट्रा स्पेस में जो डेटा स्पेस है वो एक क्यू का साइज एन है बट ऐसी कितनी क्यूज आपको यूज करनी है ये डिपेंड किस पे करता है रेडिक्स पे तो जो भी उसका रेडिक्स होगा सपोज रेडिक्स इज आर सो एन आर हम लोग इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं इट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टेबल है ना बेटा फीफो है ना इसीलिए होगा फर्स्ट फर्स्ट इन आउट। तो 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 जो जो नंबर 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 अगर दो सेम है, तो जो पहले है, है, पहले 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 वो में जा रहा बाहर तो भी पहले ही होगा। इसलिए सो बिकॉज़ ऑफ़ इट स्टेबल, स्टेबल यस। तो मैंने ही लिखा है ना, हाँ, जनरली फ्लोटिंग नंबर पे हम इसको अप्लाई नहीं करते क्योंकि फ्लोटिंग नंबर्स में डिजिट बहुत बड़ा हो जाता है ना अगर वहां पे भी फ्लोटिंग नंबर आपके फिक्स्ड है तो कर सकते हैं नहीं तो फिर यहाँ पे और अदर टेक्निक्स भी होती हैं काउंटिंग बेस्ड में उनको फ्लोटिंग नंबर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बट जनरली इसको फ्लोटिंग नंबर के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं ठीक है थीके? क्योंकि अगर मान लो डिजिट हमें नहीं पता सपोज मान लो नंबर ऐसा है टेन पॉइंट थ्री सिक्स सेवन फोर एट नाइन टेन ऐसा बहुत बड़ा नंबर है उसके बाद सो एट द प्लेस ऑफ दिस फिर वी कैन गो विद सम अदर टेक्निक अगर वहां पर ऐसा है कि डेसिमल uh, के बाद सिर्फ दो ही डिजिट है टेन पॉइंट थ्री सेवन तेन यू कैन अप्लाई नो दैट चलिए सो दिस आर द सर्टेन पॉइंट्स अबाउट द रेडिक शॉट अब देखिए हमने अभी तक जो शॉर्टिंग टेक्निक देखी उनको कंपेयर किया काउंटिंग कंपेरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक के नाम से और काउंटिंग बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक के नाम से अगर हम कंपेरिजन बेस्ड और काउंटिंग बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक जो हमने डिस्कस किया है ठीक so, है सो कुछ है बबल शॉर्ट सिलेक्शन इंसर्शन क्विक मर्ज हीप एंड द काउंटिंग बेस में रेडिक शॉर्ट है जिसपे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है थीके? अब इन शॉर्टिंग टेक्निक्स का अगर हम बेस्ट केस एवरेज केस और वर्स्ट केस की बात करें सो व्हाट वी कैन से बबल शॉर्ट एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केसेस में थीटा एन स्क्वायर होता है ठीक है बट वॉट वी कैन से इन द बेस्ट केस वी कैन रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी अप टू थीटा एन इसलिए मैंने वहां पर स्टार बना दिया कि अगर हम एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज करेंगे एल्गोरिथम में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं क्या कर सकता हूं रिड्यूस कर सकता हूं अप टू थीटा एन दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर स्टार बट अगर हम सिलेक्शन शॉर्ट की बात करें तो सिलेक्शन शॉर्ट में इन ऑल द केसेस योर कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम थीटा एन स्क्वायर इन ऑल द केसेज योर कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम थीटा एन स्क्वायर अगर हम इंसर्शन शॉर्ट की बात करें तो बेस्ट केस थीटा एन है वर्स्ट केस थीटा एन स्क्वायर है एंड एवरेज केस इज ऑल्सो थीटा एन स्क्वायर क्विक शॉर्ट की बात करें अगर हम लोग तो बेस्ट केस थीटा एन लॉग एन एवरेज केस इज ऑल्सो थीटा एन लॉग एन एंड वर्स्ट केस इज थीटा एन स्क्वायर हीप शॉर्ट की बात करें तो इन ऑल द केसेस कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा एन लॉग एन यहाँ पे भी थीटा एन लॉग एन और यहाँ पे भी थीटा एन लॉग एन एंड द सेम फॉर द हीप शॉट हीप शॉट के लिए भी थीटा एन लॉग एन ही होगा इन ऑल द केसेस हीप शॉट जनरली ट्री बेस्ड शॉटिंग टेक्निक है विल we'll डिस्कस अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो हीप शॉट इन ऑल द केसेस एन लॉग एन मर्ज शॉट इन ऑल द केसेस एंड लॉग इन क्विक शॉट इज एन लॉग इन एंड थीटा एन स्क्वायर रेडिक शॉर्ट की अगर हम लोग बात करें तो थीटा एन यहां पे हम लोग टाइम एक्जेक्टली exactly टाइम हम थीटा एन के लेके चलते जनरली जो थीटा एन के में के होता है जो के होता है वो आपका के डिजिट नंबर हमेशा कांस्टेंट ही होता है तो टाइम थीटा एन ही लगेगा अगर कांस्टेंट डिजिट का नंबर है तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि एन डिजिट नंबर है तो वो एन स्क्वायर जाएगा अदरवाइज अगर के डिजिट नंबर है तो थीटा एन ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी अब अगर आप लोग यहां पे बात करें कोई भी कंपेरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक की तो कोई भी कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक वर्स्ट केस में एनलॉग एन से कम कॉम्प्लेक्सिटी दे ही नहीं सकता आप अगर सारे एल्गोरिथम्स के वर्स्ट केस को एनालिसिस करोगे तो यू कैन सी हियर से कम टाइम हम कभी भी नहीं ला सकते मर्ज शॉर्ट एनलॉग इन टाइम देता है इससे कम टाइम में शॉर्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता इससे कम टाइम में शॉर्टिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वॉट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू शॉर्ट दंबर्स यूजिंग कंपेरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक तो जब भी वो मिनिमम टाइम की बात करें तो दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द बेस्ट केस एक्चुअली उसने बोला है कि कंपेरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक है यू कैन चूज एनी ऑफ द शॉर्टिंग टेक्निक तो सबसे कम समय जो लग सकता है वो कितना होगा तो हमेशा वर्स्ट केस की बात की जाती है तो वर्स्ट केस में सबसे कम समय जो लग सकता है वो एनलॉग एन हो सकता है इससे कम में पॉसिबल नहीं है ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है तो ये हमने पहले कंपैरिजन बेस्ड और काउंटिंग बेस्ड के बेसिस पे आ, सारी शॉर्टिंग को क्या किया एनालाइज किया ठीक है

क्वेश्चंस uh, जो गेट में पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड है ना इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे नहीं द नंबर ऑफ कंपेरिजन हाँ हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी uh, जैसे मान के चलो कि कल के सेशन में हम लोग एक काम यही करेंगे शॉर्टिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद शॉर्टिंग uh, से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं प्रीवियस इश्चन आए हुए हैं आई विल वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन तो जो आप लिख रहे हो ना एन एन स्ट्रिंग ईच ऑफ साइज एन देन वॉट वुड बी द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स रिक्वायर्ड ये सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू में है उसी टाइम पर हम लोग उसको करेंगे ठीक है कितना होगा और कैसे सॉल्व करना है वहाँ पर हीप का कॉन्सेप्ट भी लगता है मीन हीप का कॉन्सेप्ट भी लगता है मर्ज शॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी लगता है अलग अलग तरीके से वहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो वो मैं आपको सॉल्व करते सिखाऊंगा कि कैसे अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो करना है वो हम लोग कल के सेशन में करेंगे न्यूमैरिकल्स के टाइम पर अभी हम पहले देखते हैं हीप शॉट अब देखिए हीप शॉट से सबसे करने से पहले हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज हीप एक्चुअली हीप होता क्या है जनरली हीप आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हो बट यहां पे हमें हीप देखना है तो आई विल एक्सप्लेन यू द कंप्लीट हीप हीप रिलेटेड ही कैसे आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे फिर हीप शॉर्ट पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करें हीप का तो व्हाट इज हीप हीप क्या होता है तो एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है हीप के बारे में क्या है इट इज इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है वॉट इल द डेटा दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन टू हीप इट शुड डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो लेवल वाइज हमें लेफ्ट टू राइट इंसर्शन करना है सबसे पहले रूट नोड इंसर्ट होगा फिर उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट होगा फिर उसके बाद उसका राइट चाइल्ड इंसर्ट होगा फिर उसके बाद उसका लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट होगा लेफ्ट मोस्ट देन राइट सिर्फ इतना बनाया अगर आपसे पूछते क्या so, yes, ये हीप है सो यस इट इज हीप ये हीप है अब आपने ये नोट बनाया क्या yes, ये हीप है यस इट इज हीप ये नोट बनाया क्या ये हीप है यस इट इज हीप बट अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया और आपको बोला क्या so, ये हीप है सो इट इज नॉट अ हीप ये हीप नहीं है ये हीप नहीं है अब आप बोलेंगे सर ये हीप क्यों नहीं है तो देखिए पहले आपने इस नोड को इंसर्ट किया फिर लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन राइट देन इसका लेफ्ट पहले आना चाहिए उसी के बाद राइट right आ सकता है तो किसी भी पॉइंट पर ऐसा है कि आपका लेफ्ट मोस्ट नोड या लेफ्ट नोड अवेलेबल नहीं है और आप राइट right में डेटा इंसर्शन करने जा रहे हो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर इंसर्शन नहीं है इट इज रॉन्ग सो दिस इज नॉट अ हीप ये हीप नहीं होगा तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो जो हीप है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए मीन डेटा या विल बी याद नोट वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन टू राइट तो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में हमें डेटा इंसर्शन इंसर्शन या नोड करने सबसे पहला ये चीज ध्यान रखें ठीक है तो ये हीप नहीं है नाउ द अनदर पॉइंट इज देर आर ए टू टाइप ऑफ हीप दो टाइप के आपके पास हीप जो है वो होते हैं अब ये दो हीप जो है एक हम लोग कहते हैं दैट इज द मैक्स हीप और सेकेंड हीप जो होता है दैट इज मीन हीप अब हीप और मीन हीप किसके बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं तो विच टाइप ऑफ डेटा देखिए डेटा जो इंसर्शन है वो तो लेफ्ट टू राइट हमने देख लिया कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में होना चाहिए कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए ये तो हम लोगों ने देख लिया बट दूसरा पॉइंट यह कि जो मैक्स हीप है या जो मीन हीप है ठीक है जो मैक्स हीप है और जो मीन हीप है इसमें अगर हम लोग आ, बात करें तो जो डेटा है मैक्सिप क्या बोलता है कि जो रूट नोट है या जो पेरेंट नोट है उसकी वैल्यू अपने चिल्ड्रन से ज्यादा होनी चाहिए या बड़ा होना चाहिए सो पेरेंट वैल्यू इज हायर देन दट चाइल्ड वैल्यू देन इट इज इफ मैक्ट वैल्यू इज स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड वैल्यू देट इज हीप तो मैक्सिप और मीन हीप का जो रिजल्ट आता है जो डिपेंडेंसी है वो किस टाइप का डेटा वहां पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे तो देखिए अगर सपोज हमने एक, एक ट्री लिया लाइक टेन इज देयर एट वन फाइव फोर एट एंड इसको मैंने सेवन ले लेता हूं वन टू लाइक दिस सो कैन वी से दैट इट इज मैक्सिप क्या ये मैक्सिप है क्या ये मैक्सिप है तो आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो लेफ्ट में नोड है उसके बाद ही राइट नोड आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट नोट तो यहां पे हमें दिए हुए अब रूट नोड पे आप देखो वैल्यू कितनी है टेन

देखिए बेटा डेटा इंसर्शन जो मैं बोल रहा हूं जैसे ये रूट है उसके बाद लेफ्ट में जाना है अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट के बाद फिर आप लेफ्ट में चले गए इट इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री पहले लेफ्ट तो अब इस लेवल पे कितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं तो उनका पहले फिलिंग होना कंपलसरी है इट शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पहले इस नोड इस लेवल को फिल करोगे फिर अगले लेवल पे जाओगे ऐसा नहीं है कि ये आपने ये नोड बनाया फिर ये नोड बनाया, बनाया फिर ये बनाया और ये बना दिया और बोले कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है इट इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री इट इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री सो यू शुड लेवल है ना ये ये भी ध्यान रखे, complete level feel करे, या फिर केस में आप ये कह सकते हो कि जो भी आपका ट्री होगा लाइक दैट इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री यस इट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री तो हम कह सकते हैं कि इसके ये अगर एन लेवल का ट्री है तो ये एन माइनस वन लेवल है सो एन माइनस वन लेवल जो है वो हमेशा फुल होने चाहिए इट इज ऑलवेज फुल एन माइनस वन लेवल शुड बी ऑलवेज फुल एंथ लेवल पे जो डेटा है वो लेफ्ट टू राइट हो सकता है एंथ लेवल पे नंबर ऑफ कीज कम हो सकती है बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहां पे ये यह नोड ही नहीं है यह नोड ही नहीं है अगर ये नोड नहीं है इसका मतलब है कि इसके एन माइनस वन लेवल फुल नहीं है तो जब तक एन माइनस वन लेवल फुल नहीं होंगे आप एंथ लेवल पे कोई भी की इंसर्ट नहीं कर सकते तब तक आप कोई भी की एंथ लेवल पे इंसर्ट नहीं कर सकते तो तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले लेवल मतलब रूट नोट फिर फर्स्ट लेवल पे जितनी की आ सकती है लेफ्ट टू राइट आपको पहले वो सारी इंसर्ट करनी है तो उसके बाद ही आप सेकंड लेवल को शुरू करोगे फिर सेकंड लेवल पे सारी कीज़ हो जाएंगी तो थर्ड लेवल को शुरू करोगे चलिए नाव नाव द पॉइंट इज अ पॉइंट है कि मैक्सी हमें क्रिएट कैसे करना है ना हाउ वी कैन मेक अ मैक्सी तो सबसे पहले मैक्सीप का क्रिएशन हम लोग समझते हैं या वी वांट टू तो बिल्ड वी वांट टू तो बिल्ड मैक्सीप वी वांट टू तो बिल्ड मैक्सीप लेट्स सी, वी हैव सर्टेन कीज़, टेन फाइव इलेवन टू थ्री सेवन एंड ओके? हमें ये कीज़ उसका मैक्सिप हमें बनाना है अब देखिए मैक्सिप कैसे बनाया जाता है इस पर भी क्वेश्चन आता है तो मैक्सिप हीप क्रिएट करने के भी यहां पे डिफरेंट तरीके है हम लोग इंस्टेंट हिपिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं इंस्टेंट So ये जो टेक्निक है इंस्टेंट हिपिफिकेशन दो टेक्निक होती है ना सेकेंड टेक्निक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे किया जाता है बट करंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंस्टेंट हिपिफिकेशन टू बिल्ड मैक्सीप इसमें हम लोग क्या कहते हैं इनिशियली वी आर एज्यूमिंग दैट की अवर ट्रीज एम टी ट्री में कुछ भी नहीं है शुरुआत में

तो मुझे इस इलेवन को इस टेन से क्या करना पड़ेगा बेटा स्वैप करना होगा सो वी नीड टू डू दिपीफिकेशन तो अगला नंबर इंसर्ट करने के पहले स्वैपिंग कर दो रूट पे गया 5 यहां पे, 10 यहां इट इज अब मैक्सिप है फिर मैंने टू इंसर्ट किया सो so हम देख सकते हैं कि टू उसके पेरेंट से छोटा है तो मैक्सिप है तो कोई दिक्कत नहीं अगला एनिमेंट हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते थ्री मैंने इंसर्ट कर दिया नो no इश्यू क्यों क्योंकि थ्री जो है अपने पेरेंट से छोटा है Now the next is seven. Seven is less than the ten. No issue. Next is nine. Nine is less than the ten. No issue. मतलब हमें सिर्फ एक swap operation perform करना पड़ा और finally हमें max heap मिल गया. तो that is called the instant heapification. जब भी आपको लगे कि root पे smaller आ गया है और नया जो element insert किया है वो larger है, first of all you need to do the swap operation and then you can insert the another element.

टेन फाइव इलेवन टू थ्री सेवन एंड नाइन लेट सी सबसे पहले हमने टेन को लिया इंसर्ट किया देन फाइव इसके लेफ्ट में आया जैसे ही फाइव लेफ्ट में आया वी नीड टू परफॉर्म दि स्वैप ऑपरेशन क्योंकि मीन ही बनाना है तो रूट शूड कंसिस्ट द स्मॉलर नंबर

तो आपको एक स्वैप और करना है मतलब यहां पे दो स्वैप लगेंगे तो टू फाइनली आपका रूट पे जाएगा टेन इधर, इधर आ जाएगा और इलेवन दिस द नेक्स्ट नंबर इज क्या ये थ्री का करेक्ट पोजिशन है नहीं वी नीड टू डू द स्वैप तो थ्री और फाइव स्वैप हो जाएगा थ्री इधर आएगा फाइव इधर आएगा फिर थ्री को उसके रूट से भी कंपेयर करना है क्या थ्री टू से छोटा है नहीं है देन ओके सो टू 3, 10, 5, 11. Now the next number is 7. So when we insert 7, we need to compare 7 with 11. We need to do the swapping. So after swapping, it is 2, 3, 10, 5, 7, 11. Now the next number is 9. सो नो थ नाइन ओके नो इशू विथ नाइन वी कैन डायरेक्टली आंसर टोटल स्वैप कितने हुए? वन टू थ्री फोर फाइव तो आपको जब मीन ही बनाना है तो यहां पे टोटल फाइव स्वैप ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े मैक्सिट के लिए सिर्फ एक ही स्वैप करना पड़ रहा था चलिए इज इट क्लियर बेटा सिंपली अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज होगा तो आपको तो सिर्फ मैक्स या मीन हीप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना ना जैसे मीन हीप में किया आई थिंक इसके हिसाब से आपको मैक्स हीप का भी क्लियर हो गया होगा आप सेवन और थ्री का ऑर्डर चेंज करेंगे तो पहले थ्री सेवन यहां इंसर्ट होगा तो सेवन इधर चले जाएगा सेवन फाइव की पोजिशन पर चले जाएगा और फाइव इधर आ जाएगा बस एक स्वैप करना पड़ जाएगा आपको वहां पे जैसे यहां स्वैप किया चलिए नाव है एक क्वेश्चन देखते हैं बिल्ड हिप के ऊपर ही सपोज वी हैव अ सर्टेन कीज हीप में नंबर ऑफ स्वैप कितने लगेंगे एंड मैक्स हीप में नंबर ऑफ स्वैप कितने लगेंगे ये आपको बताना है नंबर ऑफ स्वैप फॉर द मीन हीप एंड नंबर ऑफ स्वैप फॉर द मैक्स हीप सॉल्व ऑफ इट राइट एंड टेल मी तो पहले मीन हीप के लिए करें सभी और फिर मैक्स हीप के लिए करेंगे पहले मीन हीप के लिए करें सभी फिर मैक्स हीप के लिए करेंगे हिप के लिए कितने लग रहे हैं टू लग रहे हैं ओके चलिए बाकी बच्चे भी ट्राई करें और मैक्स अगर टू मीन हिप हो गया है तो मैक्स हिप गुड फिर ट्राई करें ओके okay. मैक्स के लिए कितना लग रहा है सेवन और मीन के लिए लग रहा है टू चलिए देख लेते हैं टू है या थ्री है, है क्या आ रहा है लेट्स सी सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ मीन ही बिल्ड ही करते हैं हम लोग सो फिफ्टीन द नेक्स्ट नंबर इज फाइव वी नीड टू डू द स्वैप सो इट बिकम फाइव फिफ्टीन द नेक्स्ट इज इलेवन नो इशू फोर्टी नो इशू थर्टी नो इशू ट्वेंटी थ्री नो इशू एटी वन तक भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे ही ट्वेंटी टू आएगा वी नीड टू डू वन स्वैप फिर ट्वेंटी टू जो है वो 15 से तो बड़ा है ना तो अगला स्वैप लगने वाला नहीं है ट्वेंटी टू फोर्टी सेवन थर्टी नाइन इलेवन ट्वेंटी थ्री एटी वन सो आंसर इज टू सो मिनिमम Uh, जो मीन हिप के लिए नंबर ऑफ स्वाप लगेंगे वो टू स्वाप में काम हो जाएगा ठीक है टू स्वाप में काम हो जाएगा नाउ मैक्सीप की अगर हम लोग बात करें सेम कीज के लिए मैक्सीप की अगर हम लोग बात करें सो यू कैन सी 15, द नेक्स्ट नंबर इज फाइव सो ओके नो इशू विथ फाइव अनादर नंबर इज इलेवन ओके नो इशू बिकॉज इलेवन इज स्मॉलर देन दिफ्टीन नेक्स्ट इज फोर्टी सेवन सो हेयर वी नीड टू परफॉर्म दी टू स्वाप ऑपरेशन देन फोर्टी सेवन जो है वो रूट पे आ जाएगा फिफ्टीन इधर आ जाएगा एंड फाइव इधर आ जाएगा एंड एलेवन हीयर ना द नेक्स्ट इज थर्टी नाइन सो थर्टी नाइन हीयर सो यहाँ पे थर्टी नाइन को फिर हम लोग स्वेप करेंगे सो फॉर्टी सेवन थर्टी नाइन फाइव फिफ्टीन इलेवन ओके नेक्स्ट कितना है ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री यहां पर इंसेट किया सो so एक स्वाप और कर लेंगे हम लोग यहाँ पे एक स्वाप करेंगे तो 47 सेवन थर्टी नाइन फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री एंड 11. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज एटी वन वी कैन सी एटी वन इज लार्जर अमंग ऑल सो टू स्वाप होके एटी वन रूट पे आ जाएगा थर्टी नाइन फाइव फिफ्टीन फोर्टी सेवन इलेवन एटी वन नाउ द नेक्स्ट इज ट्वेंटी टू सो वी नीड टू डू वन स्वैप हिर एंड देन फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सो मैक्सीप केस में नंबर ऑफ स्वैप जो हुए वो कितने हुए सेवन स्वैप ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म सेव स yes, इसको हम लोग वो कहते हैं इंस्टेंट हिपीफिकेशन इंस्टेंट हिपिफिकेशन का मतलब है कि इनिशियली वी वॉटवेर एज्यूमिंग आवर ट्री इज एमटी हमारा हीप एम टी है और हम जैसे ही की को इंसर्ट करते हैं उसी टाइम पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि आफ्टर इंसर्टिंग दैट की द रिजल्ट इन ट्री इज हीप और नॉट इफ इट इज नॉट हीप देन इंस्टेंटली हिपीफाई द ट्री एंड देन इंसर्ट दी है ना ये एक तरीका है दूसरा तरीका जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं लेट्स सी ये इतना क्लियर है है ना दूसरा तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये इतना क्लियर है और हम लोगों ने कैसे बनाया? हमें कुछ दी हुई है. इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइक टेन फाइव इलेवन फिफ्टीन सिक्स सेवन एंड are ओके stored इन एन अरे ये कीज जो है ये एक अरे में स्टोर है और हमें क्या करना है इसको हीप में कन्वर्ट करना है कीज ऑलरेडी स्टोर है और इसको हमें हीप में कन्वर्ट करना है मतलब दिस कीज आर ऑलरेडी अरे एंड वी टू परफॉर्म ऑपरेशन अब एक पॉइंट देखिए इस क्वेश्चन के पहले एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ना या जो भी हीप होता है तो ये तो ट्री फॉर्मेट में हमें ऐसा दिख रहा है बट एक्चुअली ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है एक्चुअली ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है सो वी कैन स्टोर दैट इन अरे हम लोग इसको अरे में स्टोर कर सकते हैं ठीक तो सपोज एक मैक्सी पे आपका कुछ इस तरीके से टेन एट सिक्स थ्री फोर वन टू लाइक दैट ओके तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हम इंडेक्सिंग जीरो से शुरू कर रहे हैं इंडेक्सिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस जीरो ओके इफ रूट एट जीरो इंडेक्स ओके तो अगर हमें पेरेंट की पोजीशन पता है कि पेरेंट आपका पोजीशन पी पे स्टोर है पेरेंट अरे में आपका पेरेंट लोकेशन पी पे स्टोर है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो टू पी प्लस वन पे स्टोर होगा और इसका जो राइट right चाइल्ड होगा वो टू पी प्लस टू पे स्टोर होगा तो ये जीरो पे स्टोर है तो लेफ्ट चाइल्ड टू इंटू जीरो प्लस वन मतलब वन पे और राइट चाइल्ड टू पे फिर इसका लेफ्ट सो टू इंटू वन प्लस वन थ्री पे फिर टू इंटू वन प्लस टू फोर इसका टू इंटू वन टू इंटू टू प्लस वन फाइव एंड टू इंटू टू प्लस टू सिक्स सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो यहां पे हमें दिया है टेन एट सिक्स वन टू थ्री फोर तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपका हीप होता है जब हम उस हीप को स्टोर करते हैं कहां पे उस हीप को हम लोग स्टोर करते हैं अरे में तो या तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लो या फिर ऐसा बोल दो कि हम उसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में स्टोर करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब सब सबसे पहले फर्स्ट लेवल के सारे एलिमेंट्स देन सेकेंड लेवल के सारे एलिमेंट्स देन थर्ड लेवल के सारे एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट फर्स्ट लेवल पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो टेन हमने स्टोर किया फिर एट सिक्स देन वन टू थ्री फोर सो टेन एट सिक्स वन टू थ्री फोर

तो विदाउट ट्री स्ट्रक्चर अगर आपको अरे स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो भी आप बता सकते हैं कि ये मैक्स हीप है या नहीं है गॉट इट तो अब हमें कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि सपोज दिस एलिमेंट्स आर ऑलरेडी स्टोर इन एन अरे ये एलिमेंट्स ऑलरेडी अरे में स्टोर है बोला हमारा ट्री एम टी नहीं है उसमें ऑलरेडी डेटा है तो जब हम इसको ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे टेन फाइव इलेवन 15, 6, 7, 8. कुछ इस तरीके से ट्री बनेगा अ कंप्लीट बाइनरी ट्री तो लेवल ऑर्डर में ट्री होगा सो so तो यही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो अब हमें ये ट्री स्ट्रक्चर में ऑलरेडी कीज़ स्टोर की हुई है क्या ये मैक्स हीप है सो नो इट इज नॉट अ हीप ये मैक्स हीप नहीं है सो so अब हमें क्या करना है वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट इंटू दी हीप अब वन बाय वन इंसर्शन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं ऑलरेडी सारी चीज यहां पे इंसर्ट की हुई है अब हमें इस ट्री को मैक्स हिप में कन्वर्ट करना है इस ट्री को क्या करना है मैक्स हिप में कन्वर्ट करना है ठीक है तो किस तरीके से करेंगे तो लेट्स सी जस्ट फोकस एट दिस लेवल इन दोनों को कंपेयर करो फिफ्टीन और सिक्स को विच वन इज ग्रेटर फिफ्टीन इज ग्रेटर फिर उसको रूट से कंपेयर उसके पेरेंट से कंपेयर करो फाइव

परफॉर्म होगा सो फिफ्टीन फाइव सिक्स इलेवन सेवन एंड एट अब आपको इसके टॉप लेवल पे यहां देखना है इन दोनों सिबलिंग्स को कंपेयर करना है फिफ्टीन और इलेवन को विच वन इज ग्रेटर फिफ्टीन इज ग्रेटर नाउ कंपेयर फिफ्टीन विद रूट क्या फिफ्टीन रूट से बड़ा है यस सो वी नीड टू डू वन स्वैप हियर वन स्वेप हियर तो यहां पे हमें फिर से एक स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे ये स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हमें रिजल्टेंट ट्री मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा फिफ्टीन रूट पे पहुंच गया इलेवन सेवन एट इस साइड तो कोई दिक्कत है नहीं इधर जो हुआ टेन इधर आ गया टेन फाइव एंड सिक्स अब एक पॉइंट याद रखिएगा आपने स्वैप जिस डायरेक्शन में किया यहां पे स्वैप किया है ना तो टेन यहां आया तो इस सब पार्ट का एक बार वेरिफिकेशन आपको करना मस्ट है समटाइम इट मे पॉसिबल कि ये जो वैल्यू है ये वन हो अगर ये वन है तो फिर यहाँ पे एक बार और स्वैपिंग करनी पड़ेगी तो जिस भी साइड आप स्वैप कर रहे हो उस सब पार्ट को फिर से वेरीफाई जरूर करोगे तो यहाँ पे फिर से कंपेयर करोगे सिक्स को टेन से कंपेयर करोगे क्या सिक्स टेन से बड़ा है नहीं है सो नो स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड एंड दैट वुड बी योर मैक्सिप ये आपका मैक्सिप है तो सिर्फ कितने स्वैप लगी वन और वन टू टू स्वैप ऑपरेशन लगे और हमने इसको मैक्सिप में कन्वर्ट कर दिया टू स्व ऑपरेशन लगे और हमने इसको मैक्सिप में कन्वर्ट कर दिया आई बात समझ में सो इंस्टेंट हिपिफिकेशन क्लियर है इंस्टेंट हिपिफिकेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और अगर डेटा ऑलरेडी अरे में दिया हुआ है तो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं क्लियर सिबलिंग्स एंड फाइंड ग्रेटर एलिमेंट इन कंपेयर विदेंट इफ इट इज ग्रेटर स्वयं अदरवाइज नॉट बिल्कुल यही करना है बिल्कुल धीरेन्द्र यही करना है एक एग्जाम्पल ये अरे वाला जो सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसका करके आप बताए सपोज यूर अरे कंसिस्टेंट एंड एलिमेंट्स फाइव इलेवन सिक्स टू फोर थ्री फिफ्टीन हाउ मेनी कंपेरिजन्स हाउ मेनी स्वापिंग्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वाप कितने लगेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर मैक्स हीप मीन हीप कितने ऑपरेशंस होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे डोंट वरी ठीक है कितने आ रहे हैं थ्री स्वैप्स आ रहे हैं ओके okay. फाइनल आपको जो रिज़ल्ट है ना उसको एक बार देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मैक्सीप नहीं है उसको चेक कर लें एक बार है ना बहुत बार ऐसी गलती हमसे हो जाती है कि फाइनल रिजल्ट मैक्सीप ही नहीं होता उसको चेक करना ज़रूरी है फाइव इलेवन सिक्स टू फोर थ्री फिफ्टीन देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सबसे लोएस्ट लेवल uh, जो हमारा होगा इसके ऊपर हम लोग जाएंगे टू और फोर को कंपेयर किया फोर बढ़ाए फोर को एलेवन से कंपेयर किया एलेवन बढ़ाए सो नो नीड टू डू एनी स्वाप हियर फिर इन दोनों को चेक किया थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन इज ग्रेटर स्वैप विद इट्स पैरेंट सो फाइव इलेवन टू फोर फिफ्टीन थ्री

फिर से चेक करना है सो कंपेयर दिस थ्री एंड सिक्स सिक्स इज ग्रेटर कंपेयर फाइव। वी नीड टू डू द स्वैप फिफ्टीन इलेवन टू फोर सिक्स थ्री फाइव दैट वुड बी योर फाइनल आंसर सो नंबर ऑफ स्वैप कितने लगे आपको थ्री थ्री स्वाप के बाद रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल थ्री स्वाप के बाद रिजल्ट आ जाएगा सो फिफ्टीन इलेवन सिक्स टू फोर थ्री फाइव दैट वुड बी योर फाइनल आंसर चले क्लियर इतना ओके okay. तो अब ये तो हमने बिल्ड हीप किया मतलब हम हीप कैसे क्रिएट करते हैं अब अगर हमें हीप में से कुछ एलिमेंट को ढूंढना है तो वो कैसे करना है वो कैसे करेंगे हाउ वी कैन फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम द हीप या फिर अगर हमें हीप में से एलिमेंट को डिलीट करना है या फिर हमें हीप शॉर्ट करना है तो इन सभी ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है फिर जो अभी तक हमने किया बिल्ड हीप ये जो हमने परफॉर्म किया इसका कॉम्प्लेक्सिटी डिलीट का कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड का कॉम्प्लेक्सिटी हीप शॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी ये सारी चीजें हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे तो हीप को कंटिन्यू रखेंगे और कल इसके आगे की पॉइंट्स इसके आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे गॉट इट तो आई होप क्रिएशन कैसे करना है ये अभी तक क्लियर होगा क्रिएशन पे भी क्वेश्चन आता है तो बिल्ड तो क्लियर होगा डिलीट हीप कैसे करना है हीप शॉट कैसे करना है और एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ मेनी हीप वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ हीप अगर मैं कल बताना सपोज ये पॉइंट भूल जाऊं कि अगर आपको कुछ कीज दी हुई है उसके कितने हीप हम लोग बना सकते हैं अगर ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल जाऊं तो कल मुझे याद दिला देना है ना

कंप्लीट करने के बाद फिर बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन एलगोरिथम कम्प्लीट होता है, है ना उसके बाद हम लोग सी और डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर सेशन uh, कर सकते हैं तो पहले हम लोग का टारगेट है एलगोरिथम को फिनिश करना देन विल थिंक अबाउट द सी एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो ओके चलिए इतना क्लियर है ओके सो ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर मिलते हैं कल सेम टाइम